ऑलराइट जी, स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम, आ रही है मैम। हमारे सबको कोई क्वेश्चन है? यस मैम, आपको कोई क्वेश्चन है? मैम मेरी एक छोटी सी क्यूरी है जी, बताएं बताएं। यस मैम, आपको आवाज कट के आ रही है, आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। अच्छा जी, हारिस है यहाँ पे, इनकी आवाज में डिस्टॉर्शन है, आवाज आ ही नहीं रही है। बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। यस मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। नहीं नहीं हारिस का कोई क्वेश्चन था, मोहम्मद हारिस का, और उसकी आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आप लोग को डीएफएस करवा दिया था? यस मैम, करवा दिया था। और बीएफएस करवाया था? जी मैम, बीएफएस भी करवा दिया था। टेपफर्स प्रेटफर्स दोनों करवा दिए थे? जी मैम, दोनों करवा। अच्छा एक मिनट, ये स्लाइड हमने देखी थी? यस मैम, देख ली थी। यस मैम, ठीक है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में और ब्रेकफास्ट में किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लें प्लीज। अच्छा, ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट, डीएफएस और बीएफएस, डीएफएस में लिख देती हूँ, डीएफएस एंड बीएफएस, दे आर टाइप ऑफ अनइनफॉर्म्ड uninformed search. Okay, so uninformed search से कुछ समझ आ रही है आपको कि क्या होगी? DFS और BFS जो है, it's a type of uninformed search. कुछ आपको समझ में आ रही है कि क्या होगा? नहीं, मैं नहीं समझ आ रही। मैं मुझे अपने गोल का नहीं पता था। गोल का नहीं पता होता गोल कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है? तो डीएफएस एंड बीएफएस जो है, ये अनइनफॉर्म्ड सर्च मेथोडोलॉजीज हैं, इनको ब्लाइंड भी कहते हैं। ब्लाइंड का मतलब ये है कि इनको नहीं पता गोल कहाँ पड़ा हुआ है, और ये क्या करती हैं जी, ये रेंडमली पूरे ट्री को या जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसको रेंडमली सर्च करना शुरू कर देती है, ठीक है? नॉर्मली अगर आप देखें कि कोई भी आपका रोबोटिक एजेंट है, चाहे उसने आपको कोई आंसर देना हो, चाहे उसने कोई पाथ को सर्च करना हो, उसको कोई एस्टिमेट, आपका क्या ख्याल है कि उसके पास कोई एस्टिमेट होगा कि गोल एग्जैक्टली कहाँ पड़ा हुआ है, या एटलीस्ट कोई अंदाजा होगा कि कहाँ पड़ा हुआ है, या बिल्कुल नहीं होगा? मतलब आप मूवीज देखते हैं, आप कुछ ब्लॉग्स पढ़ते हैं, आप इंटरनेट पर वीडियोज देखते हैं, जहां पर भी आपने कोई आर्टिफिशियल एजेंट देखा है, आपका क्या ख्याल है कि उसके पास कोई आइडिया एस्टिमेशन होती है कि हमारा गोल कहाँ होगा, या बिल्कुल नहीं होता, या वो रैंडमली हर जगह पे वो सर्च कर रहा होता है या रैंडमली उसको फाइंड कर रहा होता है? होती है उसके पास इंफॉर्मेशन, उसके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है? और कोई हम उसके पास की होगी तो वो फाइंड करेगा ना? एग्जैक्टली। सो ब्रेडफर्ट सर्च और डेप्थफर्ट सर्च जो है ना, इनका नुकसान ये है कि ये रैंडमली सर्च करते रहते हैं ग्राफ को जब तक उनको गोल नहीं मिल जाता। अगर हमारा जो ग्राफ है या ट्री है वो बहुत बड़ा है, और डेप्थफर्ट के केस में हमारा जो गोल है वो फर्स्ट गोल जो है वो डाउनवर्ड पड़ा हुआ है, बहुत डीप पड़ा हुआ है, तो हमें वो गोल जो है बहुत देर से मिलेगा, ठीक है? ब्रेडफर्स्ट के केस में अगर गोल जो है वो शेलो भी पड़ा हुआ है, तो ब्रेडफर्स्ट जो है उसका इतना वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और मेमोरी कंज्यूमिंग होगा। हमने ब्रेडफर्स्ट के केस में देखा था कि गोल शेलो भी पड़ा हो तो इतना वो
मेमोरी कंज्यूमिंग होगा कि हमारे सिस्टम के लिए उसको फिजिकली रन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि डीएफएस जो है और बीएफएस जो है ये ठीक है, ये सर्च कर लेते हैं गोल्स को, बट ये हमें अच्छा ये हमें गोल ढूंढ के दे भी देते हैं, लेकिन इनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो कॉन्स हैं इनके बेसिकली, जो इनके डिसएडवांटेजेस हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि नॉर्मली हम इनको यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। डेप्थ फर्स्ट का ये है कि जी ये हमें बैड गोल दे देगा, वो गोल दे देगा जो डेप्थ में पड़ा हुआ है। और दोबारा से मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ, डेप्थ फर्स्ट क्या करेगा, डीप गोल दे देगा। अगर हमें ये गोल यहाँ पड़ा हुआ है, दिस इज़ अ बैड गोल, ठीक है, दिस इज अ बैड गोल, दिस इज नॉट द राइट गोल, राइट गोल है हमारे पास दिस वन, ठीक है। सो दिस इज अ बैड गोल, डेप्थ फर्स्ट हमें बैड गोल दे देगा। ब्रेथ फर्स्ट जो है वो शेलो गोल दे देगा, लेकिन उसकी मेमोरी कॉस्ट और उसकी टाइम कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये दोनों जो हैं ये तो 100% हमारा क्रिटेरिया फुलफिल नहीं करते, ये फेल हो जाते हैं। तो अब क्या करें, कोई और एल्गोरिथम प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट दिस मोमेंट हमें नहीं पता कि कौन सा कोई और एल्गोरिथम हो सकता है फॉर एफिशिएंट सर्चिंग, ठीक है। तो अभी तक हमें जिन एल्गोरिथम्स का पता है वो है जी डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट। क्या इन दोनों को कंबाइन करके हम कोई ऐसा गोल बन, ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कि इन दोनों से रिलेटिवली बेहतर काम करे, प्रोवाइडेड के आपको ये पता है कि डेप्थ फर्स्ट जो है वो डीप गोल दे देता है आपको, फर्स्ट डीप गोल दे देता है, और ब्रेथ फर्स्ट जो है वो शेलो गोल दे देता है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट जो है उसका नुकसान ये है कि टाइम और मेमोरी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और ब्रेथ फर्स्ट का नुकसान ये है कि दैट गिव्स यू अ बैड गोल। क्या हम डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट को कंबाइन करके कोई ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हैं जो इन दोनों से बेहतर परफॉर्म करे? शायद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मैम ये होता कभी ब्रेथ फर्स्ट सर्च कर लेगा कभी डेप्थ फर्स्ट, कभी ब्रेथ करे कभी डेप्थ करे, क्या क्या किस वक्त क्या करे? मैम जैसे कि अगर हमारे पास आइडिया हो कि वो ऊपर पड़ा तो वो ब्रेथ फर्स्ट करे, अगर आइडिया हो कि नीचे है तो बिल्कुल आइडिया नहीं है अभी तक भी, अभी तक नहीं है। मैम फिर एक ऐसे ही एल्गोरिथम बना सकते हैं जो कि शेलो भी सर्च करे और डेप्थ दोनों एक साथ ही सर्च करे। कैसे? ये तो समझ नहीं आ रहा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसने डेप्थ में भी जाना है, उसने शैलो भी रहना है, उसने शैलो भी रहना है। यस उसने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेगा और वो शैलो में जाएगा, वैसे ही करता रहेगा साथ। शैलो कितना शैलो जाएगा? आप समझ लें कि हम ब्रेथ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट को लेफ्ट में सिर्फ शैलो जाएगा, वो लेफ्ट में जाता रहेगा, एंड पे आके फिर राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। नहीं, इसको तो डबल टाइम लग जाएगा और इसकी एफर्ट भी डबल हो जाएगी और इसकी मेमोरी कंजम्पशन भी ज्यादा आ जाएगी। मैम फिर आप ही बता दें। बहुत सिंपल है, सोचें, सब लोग सोचें प्लीज। डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट को कंबाइन करना है बेसिकली हमें, ऐसे तरीके से कंबाइन करना है कि वो बहुत ज्यादा शैलो भी ना जाए और बहुत ज्यादा डीप भी ना जाए। मैम मे बी नेस्टेड लूप में डाल सकते हैं? नहीं, इसको देखिएगा, ये जो ये बन रहा है ना, ये ट्रायंगल जो बन रही है, इसको देखिएगा,
समझ आ रही है कुछ आपको? वन बाय वन सारी लेयर्स को सर्च किए थे। वन बाय वन सारी लेयर्स सारी लेयर्स को सर्च कर रहा हूँ। रोज हर रो को सर्च कर रहा हूँ मैं। हर रो को जा रहा है और सर्च कर रहा है। और डेप्थ पे रो में भी जा रहा है और नीचे डेप्थ में भी जा रहा है। ये जो हर रो को सर्च कर रहा है यहाँ पे, ये डेप्थ फर्स्ट में सर्च कर रहा होगा कि ब्रेथ फर्स्ट में सर्च कर रहा होगा? ब्रेथ फर्स्ट। ब्रेथ फर्स्ट में क्यों सर्च कर रहा होगा? मैम क्योंकि वो शेलो जाते हैं, डेप्थ फर्स्ट तो आप डेप्थ पे चले जाते हैं। अच्छा, ब्रेथ फर्स्ट का नुकसान क्या था? तो फिर हम ब्रेथ फर्स्ट को क्यों यूज करेंगे? ब्रेथ फर्स्ट तो समझ नहीं आ रही है। आप कह रही थी कि वो ब्रेथ फर्स्ट जो है वो मेमोरी ज्यादा लेता है और डेप्थ जो है वो डेप्थ पे चला जाता है, तो इनको कंबाइन करके मैं किस तरीके से एल्गोरिथम बनेगा? मैं नहीं 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 मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो उसने यहाँ पर लेवल बाय लेवल सर्च की है, ये ब्रेथ फर्स्ट होनी चाहिए कि डेप्थ फर्स्ट होनी चाहिए? मैम लेवल बाय लेवल तो ब्रेथ फर्स्ट हो सकती है। अच्छा मैम डीएफएस, डीएफएस क्यों और बीएफएस क्यों नहीं? और मैम क्योंकि बीएफएस का हमें पता है कि वो स्पेस बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है, हम उसकी टाइम उसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को यूज करेंगे ताकि हम जल्द से जल्द उसे फाइंड कर सके, लेकिन फाइंडिंग के लिए डीएफएस को यूज करेंगे क्योंकि वो कम से कम स्पेस लेगा हमारी। इसी तरह हम दोनों को यूटिलाइज कर सकते हैं। दोनों को हमने यूटिलाइज करना है। एल्गोरिथम का नाम है आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट का जो एसेंस होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कहता है जी ब्रेथ फर्स्ट का वो कहता है जी लेवल बाय लेवल सर्च करें, ठीक है। लेकिन लेवल बाय लेवल सर्च करने में हमारी मेमोरी कंजम्पशन जो है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है, बहुत एक्सट्रीमली बढ़ना शुरू हो जाती है, स्पेशली आपके ट्री के एंड वाले लेवल्स पर। डेप्थ फर्स्ट जो होता है, डेप्थ फर्स्ट कहता है कि जी मैं तो डीप जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डीप लेवल तक एंड सो ऑन मैं इस तरह से करूँगा, ठीक है। सो हमने दोनों का आइडिया यूज किया, ठीक है। हमने कहा कि डेप्थ फर्स्ट सर्च हम यूज करेंगे क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो उसकी मेमोरी कंजम्पशन जो है वो ज्यादा नहीं होती है, लेकिन हम उसको अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्रेथ फर्स्ट, ठीक है। यानी कि हमने ट्री को डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड कर देंगे और हर लेवल के ऊपर डेप्थ फर्स्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो हमने फर्स्ट लेवल के ऊपर डेप्थ फर्स्ट अप्लाई कर दिया, नो गोल। सेकेंड लेवल के ऊपर डेप्थ फर्स्ट अप्लाई कर दिया, नो गोल। थर्ड लेवल के ऊपर कर दिया, नो गोल। फोर्थ लेवल पर कर दिया, तो देखिए हमें यहाँ पर गोल मिल गया, ठीक है। सो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है इस गोल को फाइंड करने का, ये उतना ही है मोर और लेस जितनी की हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का टाइम है, लेकिन हमने अपनी मेमोरी जो है यहाँ पर वो सेव कर ली है, ठीक है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास मेमोरी जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, बट यहाँ पर हमने अपनी मेमोरी जो है उसको बहुत ज्यादा सेव कर लिया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई इशू, कोई मसला? मैम इसमें बीएफएस का यूज बता दीजिए। बीएफएस का इसमें यूज ये है कि देखिए बीएफएस जो है ना वो कहता है हम लेवल बाय लेवल सर्च करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने अपनी ट्री को डिफरेंट लेवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, और हर लेवल के ऊपर हम कह रहे हैं कि इसको डीएफएस के थ्रू सर्च करो। ओके मैम, ठीक है। ये यहाँ पर ब्रेथ फर्स्ट का यूज है। अब मुझे बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को समझ ना आई? अच्छा, ये इसका नुकसान क्या होगा? फायदा तो हमें पता चल गया कि हम गोल फाइंड कर लेंगे, बेस्ट गोल फाइंड कर लेंगे, हम डेप्थ में भी ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है, और हमारी मेमोरी जो है ना वो भी नहीं लगेगी। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसे एक नुकसान है
थिंक टाइम ज्यादा लगेगा. हम्म, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा इसमें. क्यों टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा? क्योंकि हमें वो रियल टारगेट होना है ना, तो उसके अंदर ये जब फाइंड करेगा तो सबको पहले स्कैन करके इस तरह. अच्छा, थोड़ा सा इनकी बात को कोई और जरा और एक्सप्लेन करेगा. मैम क्योंकि डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हमें रूल का पता नहीं. देखो इसका नुकसान ये है, हमने लेवल्स में डिवाइड कर लिया ना, ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स. एक तो ये है कि जी हम हर एक लेवल को अलग-अलग सर्च करें, ठीक है. अगर तो हम हर एक लेवल को अलग-अलग सर्च करते हैं तो फिर इट्स फाइन. लेकिन अगर हम कहते हैं कि इधर से सर्च कर लिया है, अब इधर तक सर्च करना है तो दोबारा ऊपर से सर्च करो, फिर इधर तक सर्च करना है तो फिर दोबारा ऊपर से सर्च करो, फिर इधर तक करना है तो दोबारा ऊपर से सर्च करो, तो दिस इज रिडंडेंट, ठीक है. इट वेस्ट योर टाइम एंड स्पेस. सो इसका तरीका ये है कि आप कहें कि जी यहाँ तक अगर आपने सर्च कर लिया और गोल नहीं मिला तो अब यहाँ तक सर्च करने की जरूरत आपको नहीं है, अब आपने इधर से लेके इधर तक सर्च करना है, ठीक है. फिर अगर इधर भी आपको गोल नहीं मिलता तो आपको इस पूरे पोर्शन को सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पोर्शन को सर्च करेंगे, ठीक है. फिर इसी तरह आप सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को सर्च करेंगे, ऊपर वाले पोर्शन को सर्च करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है जी. समझ आ गई आपको? मैम अगर किसी वजह से BFS सर्च नहीं कर पाता है तो क्या ये सारे एल्गोरिथम खराब हो जाएंगे हमारे? किसी वजह से क्या नहीं होता? BFS जो है वो सर्च नहीं कर पाता हमारा गोल. आपका क्या ख्याल है, आपको लगता है कि अगर स्ट्री के अंदर गोल पड़ा होगा तो DFS सर्च नहीं कर पाएगा? कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें गोल पड़ा हो और हमें मिले ना? मैम एक ही लेयर पे दो गोल पड़े हुए हैं, एक लेयर पे दो गोल पड़े हुए हैं तो मिल तो जाएगा ना. देखो आप ये कह, आप कह रहे हो कि यहाँ पे गोल नहीं है, गोल जो है वो इधर पड़े हुए दोनों सेम लेवल के ऊपर, ये कह रहे हो? हाँ मैम समझ आ गई. वैसे ठीक है, गोल तो मिल ही जाएंगे ना, क्योंकि जब यहाँ से हमने सर्च कर लिया यहाँ तक हमें कोई गोल नहीं मिला तो यहाँ पर हम जब सर्च करने आएंगे तो हमें कोई गोल तो मिल ही जाएगा ना जी. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी, सो यहाँ तक जो हमने अभी तक सारे एल्गोरिथम पढ़े हैं, DFS, BFS और iterative deepening, depth first search, ये जो हमारे पास एल्गोरिथम्स हैं, इन सब की हमारे पास, ये सब ब्लाइंड एल्गोरिथम्स हैं, ये रैंडमली गोल्ड को सर्च करते हैं, ठीक है. जैसे हमने ये भी कहा ना कि आइट्रेटिव डीपनिंग कर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल्स अपने ट्री को, और फिर हम उसके ऊपर डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो स्टिल हमारे पास कोई एस्टिमेशन नहीं था, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था कि हमारा गोल जो है वो किधर पड़ा हुआ है, ठीक है. वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हमारा गोल जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है. सो ये सारे जो एल्गोरिथम हमने पढ़े हैं ये ब्लाइंड एल्गोरिथम्स हैं. अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ने हैं वो सब होंगे हमारे पास इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स, ठीक है. अच्छा, इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम्स जो होते हैं वो ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जिनको आइडिया होता है इन टर्म्स ऑफ सम एस्टिमेशन कि हमारा गोल जो है वो कहाँ पड़ा होगा या कहाँ पड़ा होना चाहिए या गोल तक पहुंचने के लिए हमें कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको गोल तक पहुंचना है, डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसा पाथ लें जो कि शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है. सो अब अगर आप इस प्रॉब्लम के ऊपर आए, जो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है जहाँ पर आपके पास एक मैप बना हुआ है, CBU है और बुकारेस्ट है,
बुकारेस्ट इज द डेस्टिनेशन, सीबीयू इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, आपने सीबीयू से बुकारेस्ट पहुंचना. ठीक है, कौन सा पाथ जो है वो आपको छोटा लग रहा है या कौन सा पाथ आप जो है उसको लेंगे? मैम 80 से 97 और 101 ये छोटा है? यस मैम. एड करके देख लेते हैं. मैम 99 और 211 लॉन्गर पाथ. ऐसा ही है लेकिन मैम उसमें स्टॉप भी तो एक है ना, इसमें दो स्टॉप. लेकिन हमने टोटल डेस्टिनेशन देखा है ना. आपने अगर गूगल मैप को सर्च करना हो गूगल मैप से आपने मैं कह रहा हूँ हमने स्टॉप पे रुकना तो नहीं है, हमने तो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है. हमने डेस्टिनेशन एक हर्डल तो है ना मैम, ये नहीं है हर्डल तो नहीं है. आप इसको समझें दिस इज अ मैप ऑफ सिटी, दो सिटीज के बीच में मैप है. ओके मैम. ठीक है, जैसे आप मोटरवे पर जा रहे होते हैं इंटरचेंज आते हैं, आपने नहीं रुकना, आप नहीं रुकते. ठीक है, इंटरचेंज पे जाकर आप सिटी के अंदर नहीं जाते, आप बाईपास करते हैं और आगे चलते जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. ठीक है, सो हमारे पास जो है ये वाला जो पाथ है ये हमें छोटा लग रहा है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास, अभी तक हमने जो ब्रेथ फर्स्ट डेप्थ फर्स्ट और इटरेटिव डीपनिंग पढ़ा है, इसमें हमारे पास जो गोल्स थे, सॉरी जो एल्गोरिदम्स थे, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी अबाउट गोल और कोई पाथ की लेंथ भी नहीं थी. ठीक है, अब हमारे पास जो सारे एल्गोरिदम्स आएंगे इनमें हमारे पास आएंगी पाथ की लेंथ. राइट, सो पाथ की जो लेंथ होगी उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सा पाथ सिलेक्ट करना है. डेफिनेटली हम वो वाला पाथ सिलेक्ट करेंगे जो कि स्मॉलर होगा, और जब हम स्मॉलर पाथ को सिलेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें गोल तक जल्दी ले जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम जो है वो ये करेगा कि हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड करेगा. ठीक है, जैसे इस केस में अगर हम सीबीयू पे खड़े हैं तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है नेक्स्ट जाने के लिए, कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ है? 80 है, 80 को हमने सिलेक्ट लिया. ठीक है, 80 जो है उसके पास आगे एक ही पाथ जा रहा है. ठीक है, और यहाँ से भी आगे एक ही पाथ जा रहा है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए अपने स्मॉलेस्ट पाथ के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंच गए. तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है इसके अंदर, पहले जो हमने डेप्थ फर्स्ट किया था उसमें हम क्या करते थे, डेप्थ में जाते थे. जो हमने ब्रेथ फर्स्ट किया था उसमें हम ब्रेथ में जा रहे थे. ठीक है, डेप्थ फर्स्ट में हमारे पास ट्री बना हुआ था, हम डेप्थ में आ रहे थे. ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट में हमारे पास ट्री बना हुआ था, हम लेवल बाय लेवल जा रहे थे. अब हम क्या फॉलो करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा जो गोल है नेक्स्ट, सॉरी गोल नहीं, नेक्स्ट जो हमारा पाथ है या सिबलिंग है या चाइल्ड है उसकी कॉस्ट क्या है. उसकी बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि मिनिमम जो कॉस्ट है वो किसकी है, और जो मिनिमम कॉस्ट वाला होगा उसी को हम फॉलो करेंगे. ठीक है, सो ये आपके पास एक वही सेम ग्राफ दिया हुआ है, उसी का ये ट्री है. ठीक है, और यहाँ पर पहले अगर आप देखें पिछले वाला, अगर आप ट्री देखें ये वाला आप ट्री देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कोई कॉस्ट गिवन नहीं है. ठीक है, लेकिन इधर अब हमारे पास कॉस्ट जो है दैट इज गिवन. ठीक है, हर नोड की हमारे पास कॉस्ट जो है वो गिवन है. जब हम स्टार्टिंग पे खड़े होते हैं तो स्टार्टिंग पे हमारी कॉस्ट क्या होती है, कौन गेस करेगा? कॉस्ट जीरो होती है मैम. कॉस्ट जीरो क्यों होती है मैम? क्योंकि उधर ही खड़े हैं, कहीं हमने डिस्टेंस खड़े हैं, हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल किया नहीं है. ठीक है, तो हमारी कॉस्ट है जीरो. अब हम ना ग्राफ की हेल्प लेंगे और यहाँ पर
जो ट्री है ना यहाँ पर लिखते जाएंगे कि हमारी कॉस्ट क्या है, ठीक है। सो स्टार से डी तक जाने की कॉस्ट क्या है, 3। स्टार से डी तक जाने की कॉस्ट, ये आपको शायद नजर आ रहा हो, स्टार से डी तक जाने की कॉस्ट है 3, स्टार्ट से ई तक जाने की कॉस्ट है 9, और स्टार्ट से पी तक जाने की कॉस्ट क्या है, 1। नजर आ रहा है ये सारे पाथ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे मिनिमम कौन सी कॉस्ट है, वन है, तो हम 1 पर चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हम 1 पर आ गए हैं, ठीक है। 1 को हमने अपनी जो भी, अच्छा मुझे बताएं कि ये हम जो काम कर रहे हैं ये हम स्टैक के थ्रू करेंगे या हम क्यू के थ्रू करेंगे, मैम क्यू के थ्रू करेंगे, मैम स्टैक के थ्रू। मैम देखो स्टैक पे चीज, स्टैक का मतलब प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू का प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन। देखो क्यू जो है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. देखो स्टैक का प्रिंसिपल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे एंड पे जाएगा ऊपर वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा। क्यू का प्रिंसिपल होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले क्यू में गया है वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से हमारे पास जाने के 3 रास्ते हैं, ठीक है। डी की कॉस्ट जो है हमारे पास 3 है, ई की कॉस्ट 9 है, और पी की कॉस्ट जो है हमारे पास 1 है। हमने उसको निकालना है अपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर से जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जब अपने डेटा स्ट्रक्चर पर इन चिल्ड्रन को रखवाएं डी ई और पी को, तो हम इनको कॉस्ट की बेसिस पे रखवाएं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कॉस्ट की बेसिस पे रखवाएं, कभी भी किसी भी ऑर्डर में हमारे पास कॉस्ट आ सकती है। तो क्या हम स्टैक यूज करेंगे या क्यू यूज करेंगे, हमने क्या निकालना है बाहर, सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला चाइल्ड निकालना है। क्या यूज करेंगे हम, फिर क्यू यूज करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट इन करेंगे वो फर्स्ट आउट हो जाएगा। अच्छा तो क्यू अगर मैं यहाँ पर यूज करती हूँ तो क्यू में सबसे पहले चला जाएगा डी जिसकी कॉस्ट है 3, सॉरी ई उसकी कॉस्ट है 9, और पी उसकी कॉस्ट है 1। तो क्यू में से जो पहले निकलेगा वो तो डी निकलेगा जिसकी कॉस्ट है 3, जबकि हमारे पास क्यू में एक और छोटा चाइल्ड पड़ा है जिसकी कॉस्ट है 1।
मैम बाइनरी सर्च भी यूज कर लेंगे जी, बाइनरी सर्च ट्री यूज कर लेंगे। बाइनरी सर्च ट्री कैसे यूज करेंगे, बाइनरी सर्च कब होती है? इसमें जो लेफ्ट साइड पे होगा ना वो सबसे मतलब मिनिमम हमें रिटर्न कर देगा। क्या हम मेक श्योर कर सकते हैं जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है वही सबसे छोटा? क्या हम हर दफा कर सकते हैं? मैम उस ट्री में इसी तरह हमारा डाटा स्टोर होता है, जो मतलब सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो मेरे ख्याल से राइट साइड लेफ्ट साइड में आता है। और जो क्या आपको ये बाइनरी ट्री नजर आ रही है? Do you think this is a binary tree? No, ma'am. और कि हमेशा आपके पास जो AI में ट्री आएगी वो बाइनरी ट्री होगी। Can you make sure? Binary tree में सिर्फ left right की बात नहीं होती, binary tree के अंदर एक और भी चीज होती है और वो ये होती है कि binary tree जो होती है उसमें हमेशा आपके पास दो children होते हैं। बाइनरी ट्री जो होती है उसमें हमेशा आपके पास दो चिल्ड्रन होते हैं। यहाँ पर क्या आपके पास हमेशा दो चिल्ड्रन होंगे? नो मैम नहीं। तो फिर बाइनरी ट्री तो नहीं यूज हो सकती ना। अगेन मैं आपको अपना क्वेश्चन बता देती हूँ जी कि क्यों आप कहने कहा कि जी क्यों यूज कर लेते हैं। क्यों जब यूज करेंगे तो सबसे पहले जाएगा डी, उसकी कॉस्ट है 3, ई की कॉस्ट है 9 और पी की कॉस्ट है हमारे पास 1। हमें क्या चाहिए क्यू से बाहर? पी चाहिए। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल क्यू यूज करते हैं तो हमेशा डी बाहर आएगा जिसकी कॉस्ट जो है पी से ज्यादा है और हमें डी नहीं चाहिए। मैम बस ट्रैक करेंगे क्योंकि लास्ट इन जो वन होगा तो वन ही पॉप होगा। जरूरी है कि जो सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला है वो आखिर भी पड़ा हो? इस केस में तो पॉसिबल है मगर नहीं होगा पॉसिबल। अच्छा मैं हिंट दे देती हूँ, हम क्यू ही यूज करेंगे लेकिन क्यू का एक डिफरेंट वर्जन यूज करेंगे। मैम क्यू जो कंपेयर करेगी शायद वही। किसको कंपेयर करेगी? मैम प्राइजेस को, जो इनकी कॉस्ट है इनको कंपेयर करेगी। वो कौन सी क्यू होती है जो कंपेयर करती है? प्रायोरिटी क्यू। जी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्यू क्या करती है जी? वो प्रायोरिटी चेक करती है। ठीक है, प्रायोरिटी क्या हो सकती है? प्रायोरिटी आपकी हाईएस्ट कॉस्ट भी हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू भी हो सकती है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी हो सकती है। यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, सो हमने मैं यहाँ पे क्यू बना देती हूँ। हमने क्यू यूज की क्यू यूज की सबसे पहले एस क्या अंदर, एस की कॉस्ट है 0। इसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, सो हमने एस को बाहर निकाल लिया और उसके तीनों चिल्ड्रन जो है वो क्यू में डाल दिए। अब सबसे मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर किसकी है? पी की। पी की, पी को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है जी, अब पी के कितने चिल्ड्रन है जी? क्यू है सिर्फ पी का चाइल्ड। ठीक है, तो क्यू को हमने अंदर डाल दिया। अब एस से पी की कॉस्ट हमारे पास थी 1। ठीक है, P से Q की कॉस्ट क्या है हमारे पास? 15। ठीक है, अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है? थ्री। ठीक है, जो D है D को बाहर निकाल लेंगे। D के कितने चिल्ड्रन है जी? D के हमारे पास चिल्ड्रन है बी सी ई, बी सी एन। अच्छा, डी से अगर आप बी पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट है 1, डी से आप सी पे जाते हैं उसकी कॉस्ट है 8 और डी से आप ई पे जाते हैं उसकी कॉस्ट है 2। अब क्या बाहर आएगा? मैम सी की कॉस्ट क्यों 8 है जी? सी की कॉस्ट 8 क्यों?
ये देखिए, आपने डी निकाला था ना बाहर, ठीक है, तो डी से सी की कॉस्ट जो है दैट इज 8. मैम अब 9 डी क्यों होगा जी? 9 निकलेगा, 9 से छोटे भी पड़े हुए हैं, 9 तो नहीं निकलेगा मैम, बी निकलेगा. अब बी निकलेगा, ठीक है. सो बी जब निकलेगा तो बी का चाइल्ड कौन सा है जी? बी का चाइल्ड है ए, ठीक है. और बी से ए तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास ये नोड है जी, बी ए 2, ठीक है. सो अब मिनिमम हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ, 2e पड़ा हुआ है, ठीक है. सो e के जो चाइल्ड हैं h एंड r, उसको हम बाहर निकाल लेंगे. h की e से a तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? ये 8, ठीक है. और e से r तक पहुंचने की कॉस्ट है 2. ठीक है जी. अब हमारे पास क्या मिनिमम पड़ा हुआ है? ए पड़ा मैम, ठीक है. ए हमारे पास पड़ा हुआ है, ए को बाहर निकाल लेंगे. ए का कोई चाइल्ड है हमारे पास? नो, ए का कोई चाइल्ड नहीं है. अब क्या मिनिमम पड़ा हुआ है हमारे पास? आर, आर पड़ा हुआ है. आर को बाहर निकाल लेंगे, आर का एक ही चाइल्ड है दैट इज एफ, ठीक है. एफ को हमने बाहर निकाल लिया, एफ आर से एफ तक, सॉरी एफ को बाहर नहीं निकाला, एफ को हम यहाँ पर क्यू के अंदर रखेंगे. आर से एफ तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? 1, ठीक है जी. सो अभी भी अगर आप देखते हैं तो एफ ही मिनिमम है. और एफ के कितने चिल्ड्रन हैं? सी एंड जी. एफ से सी तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है? एफ से सी की कॉस्ट मेंशन ही नहीं है. और सपोज कर लें एफ से सी तक पहुंचने की कॉस्ट है 7, दैट इज अ वेरी बिगर नंबर. और एफ से जी तक पहुंचने की कॉस्ट है 2, ठीक है. तो अगर आप गौर से देखें तो जो ये जी है, ये वाला गोल जो है, दैट इज द मिनिमम कॉस्ट, ठीक है. और आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे और आप जो है इस गोल तक पहुंच गए, ठीक है. क्या ये राइट गोल है आपके पास या नहीं? Is it the right goal? मैम इसमें तो हमने DFS यूज की है, डेप्थ पे गए हैं, हालांकि E पे भी पड़ा हुआ था गोल, तो वो अगर हम करते तो वो छोटा गोल नहीं था, तो मॉडेस्ट पार्ट था वो. सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से हम इस गोल तक पहुंचे? ये आप गेस कर सकते हैं. हमने यहाँ पे डेप्थ फोर्स को यूज नहीं किया, हमने यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज किया. प्रायोरिटी क्यू यूज की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट? ये वाली कॉस्ट. और उस कॉस्ट ने हमें कहाँ पर पहुंचाया है? उस कॉस्ट ने हमें, उस जो प्रायोरिटी क्यू या एल्गोरिदम है, उसने हमें यहां तक पहुंचाया, इस गोल. ऐसा करते हैं, यहां पर हम सारी कॉस्ट लिख के ना चेक करते हैं कि जो ये हमारा गोल है, इज इट द राइट गोल और नॉट. ठीक है, डी तक की कॉस्ट 3 थी, डी से ई की कॉस्ट क्या है? 2. ई से आर की कॉस्ट क्या है? 2. आर से एफ की कॉस्ट क्या है? 1. और F से G की कॉस्ट है 2, ठीक है. और अगर हम यहाँ से आते हैं तो S से E की कॉस्ट है 9, E से R की कॉस्ट है 2, R से F की कॉस्ट है 1, और F से G की कॉस्ट है 2. सो इस वाले पाथ की कॉस्ट होगी 11, 12, 12 और 14, ठीक है. इस वाले गोल की कॉस्ट है हमारे पास 14, और यहाँ से अगर हम आते हैं तो 5, 7, 8, 9, 5 और 7, 10, ठीक है. तो इस गोल तक पहुंचने की कॉस्ट है 10, इस गोल तक पहुंचने की कॉस्ट है 14. तो क्या हम राइट गोल तक पहुंच गए?
हमने मिनिमम गोल फाइंड कर लिया है? नो मैम, जी को नहीं फाइंड करना था। जी को फाइंड करना था ना, कौन सा वाला जी फाइंड किया हमने? 14 वाला मैम, जिसकी कॉस्ट 14 आ रही है। फाइंड किया 10 वाला जो किया है। हमने 14 वाला नहीं किया, हम 10 वाले पे आए हैं। दोबारा से करा दूं ये? मैम 10 वाला सही फाइंड किया। मिनिमम कॉस्ट वाले पे गोल वाले पे पहुंच गए हम। मिनिमम कॉस्ट वाला नहीं, अभी एक स्टूडेंट कह रहा है जी हमने 14 वाला फाइंड किया है। कुछ मिस तो नहीं कर दिया आपने? हम कौन से वाले गोल तक पहुंचे हैं जी? हम पहुंचे हैं 10 वाले गोल तक। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रिपीट कर दूं दोबारा से? कर दें प्लीज। सो वी हैव अ क्यू। सबसे पहले हमने क्या क्यू में रखवाया? एस, जिसकी कॉस्ट है 0, उसको हमने बाहर निकाल लिया। एस से हम बी, ई और पी पर जा सकते हैं। ई की कॉस्ट है 3, डी की कॉस्ट है 3, ई की कॉस्ट 9 और पी की कॉस्ट है 1। पी को हमने बाहर निकाल लिया सिंस इट वॉज द मिनिमम नोड, उसका चाइल्ड है सिर्फ क्यू। क्यू को हमने बाहर निकाला। पी से क्यू तक जाने की कॉस्ट जो है दैट इज 15। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या मिनिमम नंबर है? डी पड़ा हुआ है। डी से हम जा सकते हैं बी, सी एंड ई के ऊपर। डी से बी पे जाने की कॉस्ट है 1, सी पे जाने की कॉस्ट है 8 और ई तक जाने की कॉस्ट है 2। ठीक है, मिनिमम हमारे पास बी है, बी को बाहर निकाल लिया। बी का चाइल्ड है ए, बी से ए पे जाने की कॉस्ट है 2। ठीक है, अब मिनिमम हमारे पास जो है वो पड़ा हुआ है मिनिमम हमारे पास जो यहाँ पर पड़ा हुआ है दैट इज ई। ठीक है, यहाँ पर आप जरा गौर से देखें कि ई की कॉस्ट भी 2 है और ए की कॉस्ट भी 2 है। इन दोनों की सेम कॉस्ट है और इनकी कॉस्ट है 2। ठीक है, सो इनमें से किसको हम पहले बाहर निकालेंगे? जो हमारे पास पहले पड़ा हुआ है ना उसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये हमने हमेशा, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी कॉस्ट जो होती हैं वो सेम होती हैं, रिपीट हो रही होती है, तो उसका आसान सा सोल्यूशन है वो ये है कि उसको बाहर निकालनी है जिसकी कॉल जो सबसे पहले आपके पास क्यू में आ रहा है। ठीक है, सो हमने ई को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ई को जब हमने बाहर निकाला तो ई के दो चिल्ड्रन हैं, एक है एच और एक आर। ई से एच तक पहुंचने की कॉस्ट है 8, ई से आर तक पहुंचने की कॉस्ट है 2। ठीक है, अब हमारे पास पहले कौन सा आ रहा है? देखें, ए की कॉस्ट भी 2 है और आर की कॉस्ट भी 2 है, तो ए को हमने बाहर निकाल लिया। ए का कोई चाइल्ड नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आर को हमने बाहर निकाला, जब हमने आर को बाहर निकाला उसका एक ही चाइल्ड है। ठीक है, और आर से एफ तक पहुंचने की कॉस्ट है 1। तो अगर पूरी क्यू में अब आप देखें तो हमारे पास जो सबसे मिनिमम है दैट इज एफ और उसकी कॉस्ट है हमारे पास 1। ठीक है, एफ के दो चाइल्ड हैं, एक सी है और एक जी है। सपोज करें सी की कॉस्ट है 7, क्योंकि यहाँ पर सी की कॉस्ट मेंशन नहीं है। ठीक है, सो एफ से जी तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो हमारे पास है 2। 2 पूरी क्यू में मिनिमम है, सो हम 2 को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि गोल को बाहर निकाल लेंगे एंड वी हैव रीच्ड द गोल। ठीक है जी, कोई या कोई भी मसला? हमने कौन से गोल को तक पहुंचे हैं? हम इस गोल तक पहुंचे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई मसला? मैम मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि जो कॉस्ट है ये कौन सी चीज कॉस्ट को डिफाइन करती है? बेटा ये ग्राफ के ऊपर जो लिखा हुआ है ना एरोस के ऊपर वैल्यूज, ये आपकी कॉस्ट है। वेट मैम, ये इसको हम निकालेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा इसकी? आपको गिवन होगा, आपको गिवन। ठीक है मैम,
अच्छा जी, जो ये वाली हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, ये जो अभी अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, इसका क्या नाम होगा? ग्रीडी जी, हम ग्रीडी एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं इसमें। अच्छा, क्यों आप कह रहे हैं कि ये ग्रीडी है? क्योंकि मैम ये सबसे छोटी वैल्यू की सबसे यूज करता है, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को देखता है। आर यू श्योर मैम? जैसे पहले इसने 1 को देखा, उसके बाद ये 3 को देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने क्या किया था, जो ये वाला प्रॉब्लम थी, यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पर भी हमने सिर्फ ये देखा कि हमारी मिनिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है, ठीक है। सो जो अभी हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, ठीक है, जिसमें से हमने चीपेस्ट गोल निकाला है, दैट इज योर ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई मसला या कोई प्रॉब्लम? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? 2 मिनट में आप लोगों को देती हूँ, ठीक है। इसको जरा थोड़ा सा आप लोग अपना माइंड में इसको रिवाइज करें। अच्छा जी, सो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है जी, हमने यहाँ पे बेसिकली ये देखा है कि जी एस पे हम खड़े थे, कॉस 0 थी, एस से हम कहाँ जा सकते थे, डी ई और पी पे, और डी ई और पी की जो कॉस्ट थी वो ये कॉस्ट थी, और फिर हमने कहा था कि जो भी मिनिमम कॉस्ट है उसको हम लेंगे और उसी को उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, तो जब भी आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर से यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, ठीक है, और बल्कि घर से यूनिवर्सिटी नहीं, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और आप जो हैं कलर कहार पहुँच गए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कलर कहार पहुँच के आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप जीडी रोड से चले जाएँ या फिर आप मोटरवे से चले जाएँ, ठीक है। दोनों जो भी पास होंगी उनकी कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स होंगी, उनका कोई डिस्टेंस होगा, आप कैसे चूज करेंगे कि हमने कहाँ पर जाना है? मिनिमम कॉस्ट को आप यूज करेंगे ना, जिसकी मिनिमम जिसका टाइम आपके पास होगा उसी को आप चूज करेंगे। अच्छा, जब आप उसको चूज करेंगे, जो भी आपका मिनिमम पाथ होगा, आप क्या सिर्फ ये देखेंगे कि अभी आप जहां पॉइंट पे खड़े हैं वहां से आगे जाने की कॉस्ट क्या है, या पूरा पिछला डिस्टेंस जो आप कवर करके आए हैं उसको भी आप देखेंगे? मैम जहां पे खड़े हैं वहां से देखेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि आप पिछले डिस्टेंस कहां से कवर करके आए हैं? मैम पिछले को तो नहीं देखेंगे, क्योंकि बेशक पीछे जो है वो जीटी रोड से किया हो, आगे मोटरवे का वो दे रहा हो, क्योंकि वो टाइम देगा ना, अगर जीटी रोड पे रश होगा तो वो मोटरवे का रास्ता दे देगा आपको। अच्छा, मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी आपने देखो, जब हम यहाँ पर थे, इसी एग्जांपल से समझा देती हूँ, जब हम यहाँ थे स्टार्ट पे, ठीक है, तो हमने ट्रेवल किया, ये था, ये ऑप्शन थी और हमारे पास ये ऑप्शन थी, ठीक है। अच्छा, ये तीन ऑप्शंस जो हैं हमारे पास, इनमें से हम किसी भी जा सकते थे। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ऑप्शन चूज की थी, यहाँ पी को चूज किया, लेकिन पी तक जाने के बाद आगे
हमारे पास पाथ ही क्लोज हो गया। हमने डी को चूज किया, डी से हम ई पे आए, ई से हम आर पे आए, आर से हम एफ पे आए और एफ से हम जी पे आए। ठीक है, ये वाला हमने पूरा पाथ जो है इसको हमने फॉलो किया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे थे अभी तक कि एस से डी तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो 3 है, डी से ई तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो 2 है। ठीक है, मतलब हम मिनिमम चूज कर रहे थे। ठीक है, ई से आर तक पहुंचने की कॉस्ट 2 है, आर से एफ तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो 1 है और एफ से जी तक पहुंचने की कॉस्ट जो है वो 2 है। ठीक है, लेकिन जब भी हम फॉर एग्जाम्पल डी पे खड़े हैं और हम आगे चूज करना शुरू करते हैं कि आगे हमने कौन सी कॉस्ट लेनी है, तो हम ये तो नहीं ना भूलेंगे कि पीछे से हम कहाँ से ट्रेवल करते आए हैं। ठीक है, हमें ये भी तो देखना है ना कि पीछे हमने कितना ट्रेवल कर लिया। जब भी हमने आगे जाना है हमने ये भी तो याद रखना है कि हमने पीछे कितना ट्रेवल कर लिया। पीछे वाली कॉस्ट भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, ma'am. किसी को कोई इशू या कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। मैम दोबारा समझा दें ना, पीछे वाली कॉस्ट समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ मैम ये वाली ना एग्जांपल नहीं समझ आ रही कि पीछे वाली भी हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। देखो जब हम यहाँ से इधर आए हैं, डी को चूज किया है और डी से हमने ई को चूज किया है, तो हमने सिर्फ ये तो नहीं ना समझा हुआ कि हम डी पे ही खड़े थे, डी ही हमारी स्टार्टिंग लोकेशन थी या ई ही हमारी स्टार्टिंग लोकेशन थी। स्टार्टिंग लोकेशन तो हमारी एस थी और हम एस से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। सो अगर हम ई तक पहुंच गए हैं और ई से आगे हमने मिनिमम पाथ लेना है तो जो भी मिनिमम पाथ होगा, लेकिन हमारी जो टोटल कॉस्ट है ई आगे ई से आर तक पहुंचने की, वो तो वही होगी ना जो एस डी ई और आर तक से होगी, आर का सम होगी। Yes. ये बात समझ में आई आप लोगों को? Yes, ma'am. कि जाना तो हमने आगे है, कॉस्ट तो हमने आगे मिनिमम ही फाइंड करनी है, लेकिन हम हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो पूरे पाथ की कॉस्ट होगी ना। जी मैम पूरे पाथ की होगी। ठीक है, पूरे पाथ की कॉस्ट होगी। ठीक है, सो अभी जो हमने एल्गोरिदम किया था दैट वाज ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, जिसमें हम क्या कह रहे थे, जिसमें हम ये देख रहे थे कि आगे की कॉस्ट क्या है। ठीक है, व्हाट इज द फॉरवर्ड कॉस्ट, नेक्स्ट कॉस्ट क्या है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट मिनिमम जो हमारा गोल है उस तक पहुंचने की कॉस्ट हमारे पास क्या है, हम सिर्फ उसी को फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास एक और एल्गोरिदम है जिसका नाम है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च क्या करता है, बिल्कुल ये ग्रीडी के जैसा ही है, इसमें कोई ग्रीडी में और इसमें कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये एल्गोरिदम क्या करता है, ये एल्गोरिदम जो है स्टार्टिंग से लेकर नेक्स्ट जितनी भी कॉस्ट है उसको फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, टाइम हो गया मेरे ख्याल से क्लास का? Yes, ma'am. हो गया। ठीक है, फिर ग्रीडी तो आप लोगों को समझ आ गया है ना? Yes, ma'am. ग्रीडी समझ आई है, नहीं आया तो ये बस इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।